Hello friends, my name is Shaurya and I study in class 4B. My school's name is Kendra Vidyalaya BSF Danti Vada. Welcome to my YouTube channel Dad's Creative Wings by Shaurya. As you know that, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे ऊपर कैसे हम जन गण मन इंडिया का नेशनल एंथम कैसे बनाएंगे, और अब मैं आपको दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम रघुपति राघव राजे राम बजाना सीखेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम गज प्यारी तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो अब हम इसके नोटेशंस देख लेते हैं। हाँ, तो रघुपति राघव राजा राम, इसकी पहली लाइन है। तो रघुपति राघव में रघुपति रा, ये पूरा आ जाएगा सा 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 सा। रघुपति रा पूरा इसमें आ जाएगा चार बार सा। तो फिर आ जाएगा कोमलनी और कोमलनी और ध, ये मत समझना कि कोमलनी बोला तो यहाँ की सीधा यहाँ पे कोमलनी गया और यहाँ पे ध बजा दिया। रघुपति रा इधर आएगा घ व, ये आ जाएगा कोमलनी और ध सा 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 कोमलनी ध रघुपति राघव। अब आ जाएगा राजा राम, तो राजा के लिए आ जाएगा कुमन्नी रे राजा राम, रेमा गामा ये आ जाएगा राजा राम। कुमन्नी रे राजा, फिर रेमा गामा आ जाएगा राजा राम, तो रेमा गामा राम पतित पावन सीता राम। ये आती है हमारी अगली लाइन। तो पतित के लिए रे कोमल ग, पति के लिए प आ जाएगा, प के लिए आ जाएगा रे, टी के लिए आ जाएगा कोमल ग, ग नहीं कोमल ग, पति पति तो आ जाए, हाँ कोमल रे कोमल ग पति, फिर से रे पतित पावन पतित पावन के लिए आ जाएगा सा कोमल नी रे ध। और याद रखना कि ये एकदम पहले वाला होना चाहिए, ऐसे वाले कोमल नी नहीं होने चाहिए जो आगे आए, इसके एकदम जो भी ऑक्टिव आप लेते हैं उसके एकदम पिछले ऑक्टिव का कुमलनी और ध बजाना है इसमें, अगले उस ऑक्टिव का या उसकी अगली ऑक्टिव का कुमलनी ध नहीं बजाना चाहिए क्योंकि इसका सुर मैच नहीं करता। तो पतित कुमल कुमल रे रे कुमल ग रे पतित पा पा के लिए आ जाएगा सा पावन, तो पा के लिए आ जाएगा सा कुमलनी ध
पावन सीताराम। पतित पावन हो गया, अब सीताराम। कोमलनी और कोमल ग, कोमलनी कोमल ग, ये अभी थोड़ा अभी मैच नहीं कर रहा है, पर आगे करेंगे तो मैच होगा। कोमलनी कोमल ग ऐसा आ जाएगा, कोमलनी कोमल ग। सीताराम, इस बार आ करने के लिए अब हमें करना पड़ेगा रे और सा, तो ऐसा ऐसा बजेगा सीताराम। कोमलनी कोमल ग रे सा सीताराम। फिर आती है हमारी अगली लाइन, सीताराम सीताराम। अब इसको करेंगे तो ग ग सीता ग ग फिर राम ग ग ग, दो तीन बार ग बजाएंगे अब सीता के लिए एक दो बार, और तीसरा आ जाएगा राम राम, और फिर सीता राम। अब उसके बाद आ जाएगा रे रेसा ग ग ग रेसा सीता राम सीता। इस पर ब्रेकिंग लेनी है, सीता ब्रेक करो दो मिनट से थोड़ी देर के लिए, उसके बाद राम राम ग रेसा सीता राम। फिर आएगा दूसरी बार सीता राम, तो आ जाएगा सीता, फिर से ग ग सीता के लिए सीता राम। तो राम रे म ग म रे म ग म राम सीता राम, इसे बजेगा सीता राम सीता राम। फिर आता है भज प्यारे तू सीता राम, भज प्यारे तू सीता राम के लिए आ जाएगा तो रे आ जाएगा ग। अब इसमें आप रे म प रे म प भज भज प्यारे, तो इसमें आ जाएगा रे म प और कोमल ध कोमल ध। इस बार ये मत समझना कि कोमल ध यहाँ का है, ये आगे वाला है, क्योंकि हम इधर आगे बढ़ रहे थे, डायरेक्टली इधर नहीं आना चाहिए, तो इधर आ जाएगा भज भज रे म भज प्या भज प्या, ऐसा हो जाएगा कि रे म प कोमल ध भज प्यारे। फिर उसके बाद सब रिपीट पीछे आ जाना। हाँ अब भज प्यारे, अब तू के लिए आ जाएगा फिर से प तू सी भज प्यारे तू, तू के लिए फिर से यहाँ पे सीताराम रहेगा सी तू यहाँ आ जाएगा, और सी सी के लिए आ जाएगा प सीता, उसके बाद इधर कोमल ग एक्स्ट्रा अगर ऐड हुआ है। हाँ तो सीता आ, अब आप क्या ही समझो, आप कुछ भी समझ सकते हैं कि सीता आ राम, अब ये है तो म कोमल ग रे और सा, म कोमल ग रे सा, सा के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो तो सीता, यहाँ पे आ जाएगा म और कोमल ग सीता और राम, ऐसे भी समझ सकते हैं, और अब ये भी समझ सकते हैं कि म कोमल ग और यहाँ सीता आ, इधर रे पे आ तक करो और यहाँ पे राम, बस इतना। ये भी आप दो चीजें ऐसे करके समझ सकते हैं सीता राम। उसके बाद फिनिशिंग एंड अच्छे से एंडिंग कैसे करना है, तो इसके बाद हमें आ जाएगा रघुपति राघव राजा राम, ये फिर से हम प्ले करेंगे। जो शुरुआत वाला ये म्यूजिक का ही पार्ट है, अगला कोई और अगली लाइन नहीं है, बस म्यूजिक की एंडिंग के लिए हम धरे। फिर आएगा पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, इसी को हम तीन बार पतित पावन सीताराम जैसे मैंने किया था, वैसे तो चार बार किया था, पर आप तीन और चार दोनों बार भी कर सकते हैं, कैसा भी करना है, पर एंडिंग में पतित पावन सीताराम ये भजन है, तो उसकी वजह से हम इसको एंडिंग में थोड़ा रिपीट करेंगे, एंड लास्ट लाइन, तो पतित पावन सीताराम को तीन चार बार रिपीट करेंगे।
अगर आप चाहे तो फिर मैं इसको फिर से बजा के दिखा देता हूँ, इसको पहले बिना गाए उसके बाद गा के साथ में। गाके बताऊं तो रघुपति राघव राजा राम।